और ये स्टॉक मुझे याद है, मैंने जून 30 तारीख को पहली बार जब मैंने फोनर पे जेन साहब के जेम्स दिया था, और उस दिन क्योंकि मेरे फंक्शन था, 50th एनिवर्सरी थी पेरेंट्स की, तो इसीलिए मैंने फोन पे दिया था। और मुझे याद है इसीलिए कि सिद्धार्थ जी ने भी उसको थोड़ी देर बाद रिकमेंड किया, मैंने भी किया, और वो सेम डे टारगेट अचीव हो गया। और मतलब 1000 रुपए के लेवल्स पे दिया हुआ स्टॉक 1200 रुपया सेम डे हो गया। और अब उसके बाद 2563 के लेवल्स दिखाने के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इतने खराब समय गए बीच में, बट फिर भी ये स्टॉक 1200 के नीचे नहीं गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब नीचे के लेवल्स भी देखना कि कहां तक कोई जा सकता है, क्योंकि ये एक शॉक एब्जॉर्वर की तरह देखना पड़ता है। तो मैं यही इसी तर्ज पे अब स्टॉक्स लाने की कोशिश कर रहा हूं कि खराब से खराब मार्केट में कहां तक स्टॉक जाएगा, 15-20% से नीचे नहीं जाने वाला लोज वो देखना है। अब इस कंपनी के बारे में बताऊं तो देखिए, कंपनी 1970 से कार्यरत है, 5 डिकेड से ज्यादा ये भारत की सेवा कर रहा है एक तरीके से मैं ये बोलूंगा। और मिशन क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनके क्लोज टॉलरेंसेस मतलब 5 to 10 माइक्रोन्स वाले, और ये नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, प्रिसीजन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है ये बेसिकली। और ये पार्ट्स बनाती है मतलब जहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम है, स्पेस प्रोग्राम है भारत का इंडियन डिफेंस के लिए, और एनपीसीआईएल मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, इसरो, डीआरडीओ, ब्लूम एनर्जी जो यूएस की कंपनी है, राफेल बहुत फेमस कंपनी, इन सब का ये वेंडर है। तो इस तरीके की पेडिग्री है कंपनी की, बहुत पुरानी कंपनी, और गजब का कंपनी को एक तरीके से मैं बोलूंगा कि रेस्पेक्ट है। और जिस तरीके की ये लोग वेंडर हैं, और हर कंपनी अलग तरीके से इस कंपनी को देखती है, मैंने ये जब पढ़ के देखते, और रेटिंग्स भी देख रहा था मैं, तो रेटिंग्स भी अपग्रेड है। और फंडामेंटल्स पे अगर आता हूं तो पिछले 5 साल में गजब की प्रॉफिट की ग्रोथ है, 43% की, और सेल्स की ग्रोथ 26% के लगभग की। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते तो पिछले जून में 13 करोड़ का इबिट्टा था या 9 करोड़ का पैट था, और उसके सामने 16 करोड़ का पैट है। पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है। और अगर मैं देखूं बाकी फंडामेंटल्स के अलावा, अब एफआईआईज डीआईआईज का इंटरेस्ट तो गजब का इंटरेस्ट है। डीआईआईज ने पिछले क्वार्टर में अच्छी खासी स्टेक बढ़ाई है, 23% से 27.5%। तो एफआईआईज डीआईआईज करीब 30% के लगभग होल्ड करते हैं। और अगर पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी देखें तो कुछ अच्छे रिनाउंड नेम्स है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा करेक्शन दे चुका है, यहां से अच्छा जाना चाहिए। डिफेंस के स्टॉक्स में अच्छा माहौल बना हुआ है, तो 1890-1950 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदें। एमटार टेक ये है स्टॉक जहां पर जैन साहब की तरफ से जेम्स स्टॉक के तौर पर खरीदारी करने की राय, और सारे मेटल्स, सारे डिफेंस से जुड़े हुए इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारे स्टॉक्स बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं।